पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज हुए मतदान। धनतेरस पर राजधानी पटना में 1100 करोड़ का हुआ कारोबार। राइट टू एजुकेशन के तहत अब नर्सरी क्लास से ही होंगे नामांकन। बिहार में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ के पार। बिहार एनडीए के खेमे में एक साथ मनी होली और दिवाली। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। धनतेरस पर राजधानी पटना में 1100 करोड़ का हुआ कारोबार। विगत महीनों में लॉकडाउन व कोरोना जैसी आपदाओं से जो बाजार सूना पड़ चुका था, वो त्योहारी मौसम आते ही फिर से जगमगा उठा और बाजार की असली रौनक बीते दिन राजधानी पटना में देखने को मिली, जब धनतेरस के मौके पर लोगों ने भी जमकर धन बरसाए और शॉपिंग की। हनुमान के मुताबिक धनतेरस पर पटना के लोगों ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है। यहां के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में डायमंड सेट, सोने के हार, बिस्किट, रिंग, चेन अधिक मात्रा में खरीदे गए, तो वही एक दुकान से 85 लाख का हार बिका। तो दूसरी तरफ एक बड़े कारोबारी ने 1,35,00,000 की BMW कार रांची से मंगवाई। पटना की फोर व्हीलर गाड़ी के शोरूम से 1,000 से ज्यादा और टू व्हीलर वाहनों की शोरूम से 2,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी बीते दिन दी गई। राइट टू एजुकेशन के तहत अब नर्सरी क्लास से ही होंगे नामांकन। निजी स्कूलों में पढ़ने को इच्छुक गरीब घर के बच्चों के लिए खुशखबरी है। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार, जिसके तहत हर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती हैं, ये अधिकार अब नर्सरी क्लास से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले यह क्लास 1 से लागू होता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 1 से नहीं बल्कि नर्सरी से ही 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके मुताबिक 3 साल से 18 वर्ष के वंचित बच्चों को निजी स्कूलों में यह लाभ मिलेगा। आपको बताते चले कि इसे लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर तैयारी शुरू है और सभी निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। छठ में दूर दराज से लोग बिहार पहुंचते हैं, तो ऐसे में यात्रियों के विशेष ख्याल रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन मंगलवार को 6 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन केवल छठ पूजा को लेकर चलाने का ऐलान रेलवे ने किया है। इसके तहत जम्मू तवी कटिहार स्पेशल ट्रेन 5 नवम्बर को चलेगी, तो वहीं वापसी में कटिहार से 6 नवंबर को रात 12:15 बजे रवाना होगा। अमृतसर बनमक्खी स्पेशल ट्रेन 5 नवंबर को परिचालित होगी, जो कि छपरा हाजीपुर शाहपुर पटोरी के रास्ते अगले दिन शाम 5:30 बजे बनमनखी पहुंचेगी। वापसी में बनमनखी से 7 नवंबर को सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी। आपको बताते चले कि इन दोनों ट्रेनों के ट्रेन नंबर बदल कर आगे भी पूजा तक परिचालित किया जाएगा। शहीद ऋषि रंजन के सम्मान में सड़क का नामकरण किए जाने की उठी मांग। कश्मीर के रजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को हुई घटना में बिहार के बेगूसराय जिले के लाल शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन को शहादत अब तक लोगों को रुला रही है। तो वहीं 23 साल की छोटी सी उम्र में शहीद ऋषि रंजन को लोग सोशल मीडिया और अन्य तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच उनके नाम पर सड़क का नामकरण करने की मांग उनके गृह जिले बेगूसराय में उठ रही है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के पूर्व मेयर ने शहीद ऋषि रंजन को जिले का ऐतिहासिक पुत्र बनाने के लिए नगर आयुक्त को पत्र देकर उनके नाम पर शहर के प्रमुख हर हर महादेव चौक से पटेल चौक तक जाने वाले सड़क का नामकरण करने की मांग की है। साथ ही उनके घर तक जाने वाली सड़क का नाम भी उनके ही नाम पर नया नाम रखे जाने की मांग की, ताकि लोग जब भी उधर से गुजरे तो इस वीर शहीद का नाम जहन में छाप की तरह पड़ जाए, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी यह संदेश बन जाए। पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज हुए मतदान। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के वोटिंग आज सुबह से ही शुरू हुई, जो कि शाम तक चलने वाली है। मतदान को लेकर सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता केंद्रों पर पहुंच दिखे, तो वहीं इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। इस चरण में 37 जिले के 57 प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 7,862 मतदान भवनों में कुल 11,959 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि छठे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इस चरण के लिए कुल 83,280 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें से 37,989 पुरुष और 44,291 महिला उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होना है। बिहार में 5 जिलों से मिले 9 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 8 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज से 4 नए मरीज मिले हैं, पटना से 2 नए संक्रमित मिले, तो वहीं बेगूसराय, दरभंगा और नालंदा जिले से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98
6.66%। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा बह रही है, जिस कारण से तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं इस वजह से पूरे सूबे में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कार्तिक छठ में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहने का संभावना जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक छठ के दौरान कड़ाके की ठंड और भारी धुंध या फिर कुहासे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच तो वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान किया गया है। इस कारण छठ व्रती को सुबह और शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर ठंड से खास परेशानी नहीं होगी। हाईवे निर्माण में पेड़ों की कटाई को रोकने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पर्यावरण से जुड़ी एक याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। यह जनहित याचिका नारायणपुर मनहारी पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर की गई थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिजाइंडर दायर करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा है कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने पेड़ों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दायर जवाबी हलफनामा दायर कर बताया गया कि पेड़ों को ट्रांस लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 8340 पेड़ों को गिराया गया था और 2045 पेड़ों को ट्रांस लोकेट किया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता ने भी याचिका के जरिए संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग की। इसकी अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। बिहार में कोरोना वॉरियर्स के साथ मनेगी स्वास्थ्य विभाग की दिवाली। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली का जश्न कोरोना वॉरियर्स के साथ मनाने का फैसला लिया है। कोरोना जैसी आपदा में मरीजों की सेवा हो या फिर रात भर जाग जाग कर वैक्सीन लगाने की बात हो, कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया है। इन योगदानों का सम्मान करते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कोरोना वॉरियर्स के साथ दीपोत्सव मनाने का फैसला लिया है। इसके तहत आज शाम 6:30 बजे पटना के IGIMS कैंपस में विभाग की ओर से कोरोना वॉरियर्स के बीच दीपोत्सव मनाया जाएगा। यह दीपोत्सव देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने और अपने राज्य में पहले डोज का टीकाकरण 5 करोड़ के पार होने पर मनाया जा रहा है। आज देर शाम आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दीघा विधायक संजीव चौरसिया के अलावे भाजपा के कई नेता और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ के पार। दीपोत्सव से पहले ही बिहार में जश्न मनाने की एक और बड़ी वजह मिल गई है। यहां के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाकर एक मुकाम हासिल किया है। बिहार में कोरोना टीकाकरण की पहली डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी खुशी जताई गई है। इस बड़ी उपलब्धि के बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण कार्य से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, उनका सर्वे वोटर लिस्ट के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनका टीकाकरण अवश्य किया जाएगा। बता दें कि बिहार में अब तक 6,87,65,841 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें टीके का पहला डोज 5,90,287 है, जबकि दूसरे डोज का टीकाकरण 1,86,75,554 है।